Look at the view. कलर का हार सफर है हमारा अहमदाबाद की तरफ बस बहारे जा विदा तुम हो बहारे जा जी तो नाज़रीन ये है वो खूबसूरत जगह जहाँ पर हम सब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे मंजर हैं यहाँ के, हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ हैं और यूँ समझे कि हम पहाड़ों के दामन में हैं इस वक्त। ये नथिया गली से कुछ किलोमीटर दूर है इलाका और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये यहाँ की ईदगाह है, जाहिर सी बात है जब ईद के दिन आते होंगे तो इसको ये लोग अरेंज करते होंगे। साथ ही स्कूल है और पीछे ये छोटा सा टाउन कह लें आप, साथ में ये दरिया जा रहा है। जी फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, नज़ारे आपके सामने हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं और एक अच्छा मंजर सामने है क्योंकि आप सब देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी, और भी जो भी चीज़ें मैं देखूँगा जो यहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी इन इलाकों में आएँ और इस खूबसूरती को देखें अपनी आँखों से और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। नीचे दरिया बह रहा है, पानी आपके सामने है किस कदर स्पीड से जा रहा है। अभी जुमे का वक्त है तो मैं जुमे के लिए जा रहा हूँ, जुमे की नमाज़ के बाद फिर आराम करेंगे, उसके बाद उठकर फिर जो भी जब मौका मिला इंशाल्लाह कुछ और यहाँ पे देखने के वाली चीज़ हुई तो आपको दिखाऊँ। अभी जुमे में कुछ टाइम बाकी है तो मैंने सोचा क्योंकि हमने रात का खाना खाया हुआ था, अभी थोड़ा सा नाश्ता किया हमने यहाँ, इसके बाद सोना है तो फिर प्रॉब्लम ना होगी, वो पास पास नहीं भूख पूरी ना हो तो नींद भी नहीं आती, सफ़र भी है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, इसके बाद इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ है। जी जुमा पढ़ लिया है और अब सोने की तैयारी है और
उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आपको कुछ अच्छे अच्छे मनाजर दिखाने हैं। अभी जी अभी रात का मंजर है, दिन के वक्त भी इसी जगह पर आया था, अभी रात को यहाँ आया हूँ। रात को एक अलग नज़ारे हैं, दरिया की रौनकें देखें जी, सामने नीचे दरिया बह रहा है, ठीक है, सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छोटे छोटे मकान आपको नज़र आ रहे हैं, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, इसी तरह एक रास्ता ये भी है, यहाँ से भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है, और ऊपर आसमान, ठीक है, चाँद यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, वैसे निकला हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी माशाल्लाह फजर का वक्त ख़त्म हो चुका है तकरीबन, अभी हम नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं, तो माशाल्लाह सुबह सुबह के ये मंज़र हैं, किस कदर खूबसूरत है। अभी सूरज निकला नहीं है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और इस हल्की हल्की बारिश के अंदर मैंने सोचा कि कुछ और यादें इकट्ठी कर लूँ यहाँ की, तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी, और बड़ी ही अच्छी मॉर्निंग वॉक है ज़िंदगी की, और देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि सुनसान सा एरिया है, हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इंशाल्लाह और भी आगे बातें हैं जो आपसे करनी है, हो सकता है अगले व्लॉग में हो, ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो, अभी हमने आगे जाना है, तो इंशाल्लाह वहाँ की बातें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। क्या मनाजिर हैं यार, दिखाऊँ आपको एक खूबसूरत मंजर, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मेरी किस्मत के मैं इस वक्त रुका हूँ, और देखें इसमें सिर्फ इस इलाके में मैं ही फिर हूँ और कोई भी नहीं है यार। ओ देखें सामने, मैं अभी वापस जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर लो इस चीज़ में। गुनाहगारों पे तेरे दामन रहमत का साया है, गुनाहगारों सियाकारों रात का मंज़र, क्या नाम था इसका, काली मिट्टी शायद इलाके का नाम है, मरी का कुछ है, ये मरी के अंदर ही आता है, ये शहर का मंज़र है रात का, बहुत ही प्यारा मंज़र है। बहारे जा विदा तुम हो, बहारे जा